इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक 18 साल की लड़की ने अपने बचपन के दोस्त पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का आरोप है कि फरदिल फारूकी ने पहले उसका अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप ये भी है कि फारूकी ने लड़की की माँ का व्हाट्सएप भी हैक कर रखा था। इस मामले को लेकर पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। थाने में एक बच्ची ने FIR दर्ज करवाई है कि उसका जो है एक लड़के से संबंध रहा है पहले पूर्व में, इसके बाद जो है उसने उसके कुछ वीडियो और फोटोज ले लिए और अब जो है उसको वायरल करने की जो है कोशिश कर रहा है और साथ में जो है उस पर शादी करने का और धन परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। इस तरह की FIR एक लसुड़िया थाने में दर्ज हुई है। इसमें आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और उसमें उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो थे और जो इसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें ये भी पता चला है कि उसने व्हाट्सएप हैक कर लिया था, उसके बाद उस तरीके से ब्लैकमेल करके दबाव बनाया। देखिए, इसमें जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी पुलिस के पास में मोबाइल उसका है और ये सारी चीज़ें विवेचना में आएंगी और जैसे भी तथ्य विवेचना में आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोपी फरदिल फारूकी पहले छात्रा के साथ पढ़ता था, हालांकि उसने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो छात्रा के संपर्क में था और उससे बातचीत करता था। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली। इसी के बाद से आरोपी लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।